सबसे पहले बात देवरिया कांड की कर रहे हैं। देवरिया कांड में घायल बच्चे से मिले हैं मुख्यमंत्री। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है बच्चा। सीएम योगी ने अस्पताल जाकर हाल जाना है। कल देवरिया में हुई थी 6 लोगों की हत्या। हमले के दौरान बच्चा भी घायल हुआ था। देवरिया कांड में घायल बच्चे का हाल जाना मुख्यमंत्री ने। कल देवरिया में 6 लोगों की हत्या हुई थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है बच्चा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल देवरिया में 6 लोगों की हत्या हुई थी। देवरिया कांड में घायल बच्चे से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और उसका हाल जाना है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चा भर्ती है। देवरिया में हुए हत्याकांड में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला मुकदमा मृतक सत्यप्रकाश की बेटी की तहरीर पर दर्ज हुआ है। इसमें 28 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी एफआईआर मृतक प्रेमचंद्र के चाचा निना 5 नामजद के खिलाफ दर्ज कराई है। मृतकों के परिजन की तहरीर पर रुद्रपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस की हिरासत में 14 लोग हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। हत्याकांड में मारे गए सभी 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सोमवार को घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर डीजी जोन कमिश्नर डीएमएसपी के अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी पहुंचे। अधिकारियों ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। सीएम योगी इस घटना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल की जानकारी प्रमुख सचिव गृह से ले रहे हैं। देवरिया जिले में कल 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई जमीनी विवाद में। मैं इस वक्त खड़ा हूं रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के फतेहपुर गांव में और ये मृतक प्रेमचंद यादव का घर है। इस घर में केवल महिलाएं हैं और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली है। और मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो घर में महिलाएँ बैठी हुई हैं और मातम का माहौल है। हालाँकि पुलिस फोर्स जो है चप्पे चप्पे पे तैनात हैं। और मैं आपको ये दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूँ कि प्रेमचंद यादव के घर पे जो है पीएससी तैनात है, स्थानीय फोर्स तैनात है। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में कुछ 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर की फोर्स मौजूद है और 2 कंपनी पीएससी तैनात कर दी गई है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। खबर देवरिया से है। 6 लोगों की हत्या का मामला है। मृतक प्रेमचंद यादव के टोले का प्राथमिक स्कूल बंद हुआ। दहशत के चलते नहीं पहुंचे छात्र छात्राएं। प्राथमिक स्कूल के टीचरों ने बीएसए को पूरे मामले की जानकारी दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर ने स्कूल का दौरा किया। रुद्रपुर थाना क्षेत्र में फतेहपुर गांव में 6 लोगों की हत्या का यह पूरा मामला है। ये प्राथमिक विद्यालय अभयपुर है और जो ग्राम पंचायत फतेहपुर में आता है। यहाँ पर ये जो कल घटनाक्रम घटित हुआ है उसके अंतर्गत यहाँ इस टोले से भी एक व्यक्ति जो पूर्व जिला पंचायत थे प्रेमचंद यादव, उनकी हत्या हुई है। और यहाँ बगल में ही दूसरा हमारा इसी ग्राम पंचायत का टोला है लड़हा, वहाँ पर भी 5 लोगों की हत्या हुई है। इस कारण यहाँ चारों तरफ पुलिस है और इसी थोड़ा भय का माहौल है, इस वजह से बच्चे विद्यालय नहीं आए। क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न श्याम सिंह, सहायक अध्यापक। और सीधे रुख करते हैं देवरिया का, जहां से मौजूद है हमारे साथ उमाशंकर भट्ट। उमाशंकर, किस तरीके से पूरे घटनाक्रम के बाद आज माहौल है और साथ के साथ पुलिस और प्रशासन के अलावा किस तरीके से पूरे मामले की जांच हो रही है? देखिए अनुपम, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को पता चले कि घटनाक्रम हुए तकरीबन 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है और इस पूरे मामले पे जिला प्रशासन के आला अधिकारी निगाह गड़ाए हुए हैं। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हो गई है। हमारे साथ राम आशीष निषाद है जो इस ग्राम सभा के प्रतिनिधि है। ये घटना तकरीबन 6 और 7 के बीच में होती है, उसके बाद ये अपने साथियों के साथ पहुंचते हैं। क्या कुछ हुआ आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जब आप घटनास्थल पहुंचे तो क्या कुछ हुआ? जब हम घटनास्थल को पहुंचे तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि मंजर देखकर सभी गांव वाले
हम सभी लोग बड़ा हताश हुए, निराश हुए। ये दुख की घड़ी थी हमारे गांव के लिए कि इतना बड़ा घटना जो है कि हो गया। जब हम लोग पहुंचे तो 5-6 लाशें जो है कि वहां मौजूद थी। वहां कितने लोग इकट्ठा थे, क्या क्राउड था, क्या अराजकता का माहौल था, क्या पूरा था वहां माहौल? सब शांत था, लेकिन गांव के लोग जब सुने कि बलवा हो गया, हत्या हो गए, तो गांव के लोग एक भीड़ जो है कि वहां जुटी हुई थी दर्शक बनकर। ये बताइए, जो प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे का क्या विवाद चलता था कि इतनी बड़ी वारदात हो गई? वो 2014 से जमीन का लेन देन उनका, इसीलिए विवाद वगैरह चलता था 2014 से। ये जो जब आप घटनास्थल पे पहुंच रहे हैं तो उस समय पुलिस प्रशासन क्या पहुंच चुका था या लेट हुआ था? नहीं, थाना की फोर्स आ चुकी थी, लगभग फोर्स आ चुकी थी। हम लोग के पहुंचने के बाद माननीय डीएम देवरिया साहब, माननीय कप्तान साहब भी आ चुके थे। तो ये थे राम आशीष निषाद जो इस गांव के प्रतिनिधि। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बहुत ही शर्मिंदा की बात है, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हूं, मैं इंजीनियर अमरीश कुमार। अगर हमारी सरकार होती तो वास्तव में घटना का अंजाम नहीं होता। मैं सरकार से अपील करता हूं कि आए दिन इतनी बड़ी घटना हमेशा होती रहती है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे संज्ञान ले और कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से।